दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज दोस्तों हम लोग फिजिक्स में एक नए चैप्टर की तरफ बढ़ रहे हैं जिसका नाम है हीट एंड एनर्जी। ठीक है दोस्तों, इस चैप्टर को बहुत डिटेल में मैं आपको कवर कराने वाला हूं। इसके बाद दो चैप्टर सिर्फ हमारे फिजिक्स के बचे रह जाएंगे जो थोड़े से बड़े हैं। एक है प्रकाश यानी लाइट चैप्टर और दूसरा है विद्युत धारा। ठीक है, ये दो चैप्टर जैसे ही कंप्लीट होता है पूरी की पूरी फिजिक्स आपकी कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि पीछे के जो चैप्टर हैं वो आपको अच्छे से कवर करा दिए गए। ठीक है, तो आज दोस्तों हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं, हम लोग पढ़ने वाले हैं हीट क्या होती है, एनर्जी क्या होता है, परम शून्य ताप क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है। जैसा कि आप नाम सुने होंगे सेल्सियस में, कभी कभी फारेनहाइट का नाम सुना होगा, कभी केल्विन का नाम सुना होगा, कभी रूमर का नाम सुना होगा। तो एक्चुअली में ये किस चीज को मापता है, कैसे ये टेम्परेचर को मापता है उसके बारे में बताऊंगा। और उसके अलावा एक कितने प्रकार के होते हैं, जैसे द्रव तापमापी क्या होता है, क्लिनिकल थर्मामीटर क्या होता है, गैस तापमापी हो गया, ताप युग्म तापमापी हो गया, इस तरह से बहुत सारे तथ्यों के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो दोस्तों याद रखिए, अगर आप पहली बार स्टडी 91 से जुड़ रहे हैं तो एक बात को आप गांठ बांध लीजिए कि हमारे YouTube चैनल पर सभी विषय को चैप्टर वाइज और डिटेल से पढ़ाया गया है। तो यहां पर फिजिक्स ही नहीं, आपको केमिस्ट्री पढ़ना है, बायोलॉजी पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है, कोई भी विषय पढ़ना है आप हमारे चैनल से जुड़ करके डिटेल में आप क्लास देख सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, तो आ जाइए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सही समय पर नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंच पाए। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों उष्मा के बारे में कि उष्मा क्या होता है, हीट क्या होता है। मैं बहुत साधारण तरीके से आपको बताऊंगा, ज्यादा आपको परिभाषा देने की जरूरत नहीं समझता हूं मैं, ताकि आपको चीजें आसानी से याद हो जाए। एक उदाहरण के माध्यम से मैं कुछ बताना चाहता हूं आपको। देखिए यहां पर चैप्टर शुरू होने से पहले ही मैं उदाहरण एक पेश कर रहा हूं ताकि आपके मन में आए कि ये जो चैप्टर है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। दोस्तों मान लो कभी अगर आप अपने किसी रिश्तेदार के घर जाते हो और बदले वहां पे जाके जब आप बैठते हो, जब वहां पे चाय पानी का टाइम आता है, तो उस समय अगर आपको चाय दिया जाता है और चाय यदि कुछ समय के लिए आप रख देते हो, नहीं पीते हो, तो थोड़ी देर बाद चाय क्या हो जाती है, वो चाय ठंडी हो जाती है। होता है ना ऐसा? ठीक है, मान लीजिए पानी आया, पानी पी लिया आपने, जो चाय रखी हुई है उस चाय को यदि नहीं पियोगे तो चाय क्या हो जाएगी, ठंडी। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, इसी के विपरीत यदि चाय के जगह पे आपके सामने कोल्ड ड्रिंक आ जाए, तो कोल्ड ड्रिंक भी अगर कुछ समय आप नहीं पीते हो तो कोल्ड ड्रिंक क्या हो जाती, गर्म हो जाती है। यहां पे कुछ आप सोचने का प्रयास कर रहे हो कि ये जो चाय है, ये चाय जो है, ये चाय क्या हो जा रही, ठंडी हो जा रही है, और ये जो कोल्ड ड्रिंक है दोस्तों, ये कोल्ड ड्रिंक जो है ये क्या हो जा रहा है दोस्तों, तो ये गर्म हो जा रहा है। तो दोस्तों उसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है? दोस्तों कॉन्सेप्ट कुछ नहीं, ये तो सिंपल सा लॉजिक है। इसी लॉजिक पर ये पूरा का पूरा चैप्टर बेस है। ये जो उष्मा, जो हीट है ना, ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट इसी लॉजिक पर बेस है। अब आपने आपसे मैंने पूछा भाई ऐसा क्यों हो रहा है, तो आप कहोगे सामान्य सी बात है सर कि वहां के वातावरण का टेंपरेचर जो है, ये चाय उस टेंपरेचर पर आकर के रुक जाएगा। ठीक है, यानी मान लीजिए चाय गर्म है, गर्म हो गया यानी टेंपरेचर ज्यादा है, मान लीजिए 70 डिग्री 80 डिग्री सेल्सियस तक गर्म है। ठीक है, अब चाय गर्म है तो धीरे धीरे मान लीजिए उस कमरे का तापमान जहां बैठे हो वहां का तापमान 35 से 40 डिग्री है, तो ये चाय धीरे धीरे ठंडा होते होते कहां तक पहुंच के आएगा, 35 से 40 तक आ जाएगा। मान लीजिए जो कोल्ड ड्रिंक है, ये कोल्ड ड्रिंक मान लीजिए 5 डिग्री सेल्सियस तक जो है इसका टेम्परेचर है यानी ठंडा है, तो ये 5 डिग्री सेल्सियस से इसका टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते कहां तक जाएगा, 35 से 40 तक आएगा। तभी तो हम कह रहे हैं कि चाय जो है ये गर्म से ठंडी हो जाएगी और ठंडी कोल्ड ड्रिंक जो है वो ठंडे से गर्म में बदल जाता है। यहां से वैज्ञानिकों ने एक लाइन निकाला, ठीक है, जो आपने कहा उसी आपके कहने से एक लाइन में निकालता हूं। क्या आप कह सकते हो, मेरी बात ध्यान से सुनना, क्या आप कह सकते हो कि उष्मा जो है उसका स्थानांतरण, उष्मा का स्थानांतरण कहां पर होता है? आप ऐसा नहीं कर सकते कि गर्म से ठंडा या ठंडा से गर्म, क्यों? क्योंकि गर्म चीज ठंडी हो रही है और ठंडी चीज गर्म हो रही है। तो यहां पर एक लाइन निकल कर आता है कि दो भिन्न भिन्न ताप वाली वस्तुएं, भाई चाय अलग तापमान की है और कोल्ड ड्रिंक अलग तापमान का था, लिख रहा है जब दो भिन्न भिन्न ताप वाली वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में आती हैं, ये दोनों वस्तुएं किसके संपर्क में आ गई, वातावरण के संपर्क में आ गई। भाई चाय एक वस्तु है और दूसरी वस्तु कौन सा है, वातावरण, इसके संपर्क में आ गई। एक तरफ कोल्ड ड्रिंक और दूसरी तरफ क्या, वातावरण, इसके संपर्क में आ गई। तो कह रहा है तो अधिक ताप वाली वस्तु से कम ताप वाली वस्तु
वस्तु की तरफ ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। यानी अगर कमरे का तापमान 35 से 40 डिग्री सेल्सियस है जबकि चाय जो है वो 70 डिग्री सेल्सियस तक गर्म है तो ये चाय ठंडी होगी, मतलब ज्यादा से कम की तरफ, समझ रहे हैं, ज्यादा से कम की तरफ आएगी। ठीक है, तो याद रखे यहां पर लिख रहा है, तो ऊर्जा का प्रवाह क्या होता है, याद रखे अधिक ताप वाली वस्तु से कम ताप वाली वस्तु की तरफ होता है, जबकि जब तक दोनों वस्तुएं समान ताप पर ना आ जाएं तब तक यह जो है स्थानांतरण होता रहता है। उसी सेगमेंट में अगर मैं बात कर दूं दोस्तों कोल्ड ड्रिंक की, कोल्ड ड्रिंक जो है ये 5 डिग्री सेल्सियस था तो यहां पे क्या होगा, ये 35, यानी ये भी कमरे के तापमान पे आ गया, यानी ये ठंडी वस्तु भी इस कमरे के सामान्य ताप पर आएगी। तो ये आप सेंस याद रखिएगा। अभी मैं आपको कुछ रटा नहीं रहा हूं कि गर्म से ठंडा हो गया या ठंडे से गर्म, मैं आपसे कह रहा हूं कि ज्यादा से कम की तरफ होता है, लेकिन यहां पर देखा जाएगा। ठीक है, यहां पर देखना होगा आपको। चलिए आगे बढ़ता हूं और चीजें आपको बताता हूं। सुनिए, लिख रहा है उष्मा, ध्यान दीजिएगा, उष्मा सदैव अधिक ताप वाली वस्तु से कम ताप वाली वस्तु की ओर स्थानांतरित होती है। फिर से सुनिए, उष्मा सदैव अधिक ताप वाली वस्तु से कम ताप वाली वस्तु की ओर क्या होती है, स्थानांतरित होती है। अगर आप अपने मन में कोई एग्जाम्पल सोच रहे हैं तो एग्जाम्पल आप थोड़ा सही तरीके से आप सोचने का प्रयास करिएगा, तब आपको समझ में आएगा, कहीं ऐसा ना हो कि एग्जाम्पल में आप उलझ जाएं। उलझिए मत, चीजों को आसानी से आप पढ़ते चलिए। ठीक है, अभी मैं इसको साबित भी कर दूंगा, थोड़ा सा आप मुझे समय दीजिए। दूसरा तरफ लिख रहा है कि किसी वस्तु में निहित उष्मा उस वस्तु के द्रव्यमान पर भी निर्भर करता है, इसलिए इस लाइन को भी याद रखिए, आगे इस लाइन की जरूरत पड़ेगी, अभी जरूरत नहीं है, मैं बता दे रहा हूं एक बार ताकि बाद में भी जब दोबारा बताऊं तो रिविजन हो जाए उसका और वो बात आपको याद हो जाए। लिख रहा है उष्मा के इसी गुण की वजह से किसी वस्तु को स्पर्श, स्पर्श ऐसे नहीं लिखा जाता, स्पर्श ऐसे लिखते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, वर्तनी सुधार कर लीजिए। कह रहा है कि उष्मा के इसी गुण की वजह से किसी वस्तु को स्पर्श करने से हमें वस्तु गर्म अथवा ठंडी महसूस होती है। मान लीजिए कोई वस्तु अगर आप टच करते हो तो वो वस्तु गर्म या ठंडी कैसे महसूस होती है, याद रखिए उष्मा के वजह से ही होती है, उस समय भी उष्मा का स्थानांतरण होता है तभी ऐसा महसूस हो पाता है, नहीं तो महसूस नहीं कर सकते थे। ठीक है, आगे लिख रहा है किसी वस्तु को स्पर्श करने पर यदि उष्मा उस वस्तु से त्वचा की ओर जाए, सुनिए, कोई वस्तु आपने टच किया, यदि उष्मा उस वस्तु से हमारी इस त्वचा की तरफ आए तो याद रखिए वह वस्तु कैसी होती है, वह वस्तु गर्म होती है। जब त्वचा से वस्तु की ओर अगर यह उष्मा प्रवाहित होने लगे तो इसका मतलब है कि वह वस्तु कैसी है, ठंडी होती है, ऐसा माना जाता है, वैज्ञानिकों ने ऐसा प्रूफ किया है, समझिएगा बात को। सी कैसे, तो मैं आपको बता दे रहा हूं एक बार, अभी अभी हमने पीछे पढ़ा कि जो उष्मा है यह सदैव अधिक ताप से निम्न ताप की तरफ चलती है, अधिक ताप से निम्न ताप की तरफ चलती है। तो कह रहा है किसी वस्तु को स्पर्श करने पर यदि उस वस्तु से उष्मा जो है त्वचा की ओर प्रवाहित हो रही तो वस्तु गर्म है। मान लीजिए चाय है, चाय का टेम्परेचर ज्यादा है, आपका कम है, तो जैसे चाय छुओगे तो आपको क्या हो जाएगा, आपकी त्वचा जल जाएगी। तो ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है, तो याद रखिए वह वस्तु से त्वचा की तरफ यहां पर उष्मा चलती है तभी तो आपके हाथ में जलन हो गया। दूसरा लिख रहा है कि जब त्वचा से वस्तु की ओर कोई चीज प्रवाहित होती उष्मा तो वस्तु ठंडी नजर आती है। मान लीजिए ठंडी के समय में कोई एक स्टील का सामान है उसको आपको जो है आपके शरीर में टच कर दिया जाता तो वो काफी ठंडा होता है, जरूरत से ज्यादा ठंडा होता है, आपके शरीर से ज्यादा ठंडा वो होता है। तो ऐसे में याद रखें जो उष्मा होती है वो हमारे शरीर से किस तरफ बहती है, याद रखें उस ठंडी तरफ, चीज की तरफ बहती है। क्यों? क्योंकि वो ठंडा वस्तु क्या है, उस वहां पर टेम्परेचर कम है और हमारा टेम्परेचर ज्यादा है, और पहले ही कहा गया है कि उष्मा सदैव अधिक ताप से कम ताप की ओर बहती है। तो अगर मान लीजिए कोई ठंडी चीज है उसका टेम्परेचर अगर 5 डिग्री है, हमारा टेम्परेचर जो है 30 ज्यादा है, 30-35 डिग्री है, तो जाहिर सी बात है कि यह उष्मा हमारे शरीर से उस ठंडी हुई चीज की तरफ जाएगी और वो ठंडी चीज हमें महसूस करने पर ठंडा लगती है। ठीक है, ये आप समझिएगा। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज इस चैप्टर की बेसिक क्लास है। जिस दिन मैं आपको साउंड एंड वेव्स पढ़ा रहा था तब भी मैंने आपको कहा था कि दोस्तों पहली क्लास में अगर आपको लगता है कि YouTube पर घोल के आपको पिला दिया जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है, मेरे साथ मेरी बातों को समझना होगा आपको और समझते चलेंगे तो इस चैप्टर के समाप्त होते होते तक में मैं चीजें बेहतर तरीके से आपको समझा दूंगा, ये प्रॉमिस है। जो लोग पढ़ते हैं उन्हें पता है, जो पहली बार आ रहे हैं
रहे हैं, ज्यादा स्पीड में वो जाएंगे, दुनिया घूम के आएंगे और फिर आकर के यहां पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, लिख रहा है दोस्तों कि यही कारण है कि जाड़े की सुबह में यदि लकड़ी का एक गुटका है और एक गुटका लोहे का है तो कौन सा गुटका ज्यादा ठंडा लगेगा। जाहिर सी बात है लोहे वाला गुटका ज्यादा ठंडा होगा, तो याद रखेगा लकड़ी का गुटका कम ठंडा होगा। लिख रहा है, कह रहा है गुटके को छूने पर लोहे का गुटका अधिक ठंडा प्रतीत होता है, क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहा जो है वो उष्मा का अच्छा चालक माना जाता है। इसी वजह से यहां से क्या होता है, जब भी हम लोहे को छूते हैं तो हमारी त्वचा की तरफ से उष्मा उस लोहे की ओर प्रवाहित होती है और वह वस्तु हमें ठंडी महसूस होती है, ठीक है। इसको आप थोड़ा सा कायदे से आप जो है समझ लीजिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, लिख रहा है यह उष्मा, बार बार यह उष्मा शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है, यह उष्मा शब्द है क्या, यह हीट होता क्या है। लिख रहा है जो हीट है ना, यह एक प्रकार की एनर्जी होती है, एक प्रकार की ऊर्जा होती है, हीट जो है कर है जिससे और ऊर्जा जो होती है कभी भी ऊर्जा छीण नहीं हो सकती। कहा जाता है कि कभी भी ऊर्जा छीण नहीं होती, ऊर्जा कभी समाप्त नहीं होती, ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदल जरूर जाती है लेकिन ऊर्जा कभी समाप्त नहीं होती। मान लीजिए पवन है, पवन यानी हवा, ये जो पवन है दोस्तों जब हवा चलता है तो उसमें भी एक ऊर्जा होती, गतिज ऊर्जा। अगर हमने उस हवा से क्या कर दिया, बिजली उत्पन्न कर लिया तो क्या किया, ये एक ऊर्जा का ही रूपांतरण तो नजर आ रहा है, ठीक है। तो याद रखिएगा इसी तरह से दोस्तों कभी कभी विद्युत ऊर्जा जो होता है उससे भी बहुत सारी चीजें बदली जाती है। जनरेटर जो होता है ये यांत्रिक ऊर्जा को किसमें कन्वर्ट करता है, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो ऊर्जा का क्षरण कभी नहीं होता, आप याद रखिएगा, ऊर्जा हमेशा एक रूप से किसी दूसरे रूप में क्या हो जाती है, रूपांतरित हो जाती है, ठीक है। लिख रहा है जैसे विद्युत हीटर का प्रयोग हम करते हैं जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ये विद्युत हीटर किसमें बदल लेता है, हीटर क्या करता है, हीट करता है ना, हीट यानी उष्मा, यानी क्या करता है, यह उष्मी ऊर्जा में बदल देता है। उष्मी ऊर्जा को थर्मल एनर्जी कहा जाता है, थर्मल एनर्जी कहा जाता है। तो याद रखिए यहां पर जो विद्युत हीटर है यह इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर दे रहा है थर्मल एनर्जी में, समझ में आ रहा है। इसी तरह से अगर मैं भाप इंजन की बात करूं, मैं स्टीम इंजन की बात करूं, तो स्टीम में क्या होता है, स्टीम बनता है, भाप बनता है, और यह भाप क्या होता है, एक तरह से थर्मल एनर्जी है, ठीक है, यह उष्मी ऊर्जा है। और यहां पर यह उष्मी ऊर्जा बदलती है मैकेनिकल एनर्जी में, किसमें, यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, और उसी मैकेनिक्स के आधार पर यह भाप वाले इंजन से रेलगाड़ियां चलती हैं, समझ में आ रहा है। तो याद रखिए ऊर्जा का कभी क्षय नहीं होता है, ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परावर्तित हो जाती है। अभी मैं बोल रहा हूं यह ऊर्जा विद्युत रूप में कन्वर्ट हो रही है, यह जो ध्वनि निकल रही है ना यह विद्युत में आ रही है, और अब यह विद्युत ऊर्जा के रूप में आप तक जा रही है और फिर ध्वनि ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट होकर बाहर आ रही है, समझ में आ रहा है। तो याद रखिए ऊर्जा कभी छीण नहीं होती है, ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाती है, और इस परिवर्तन से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, बट उन प्रश्नों के बारे में हम आगे बात करेंगे, ठीक है। बहुत बड़ा चैप्टर है, एकदम इत्मीनान से आप पढ़ते चलिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है। एक प्रश्न और कभी कभी परीक्षा में पूछता है कि सुष्मी विकिरण को मापता कौन है, उसको मापने वाले यंत्र का नाम बताइए। तो याद रखिए बोलोमीटर, नाम ऐसा है कि जल्दी याद नहीं होता किसी को, बोलोमीटर। आज भी बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, तो याद रखिए करा बोलोमीटर का उपयोग उष्मी ऊर्जा को मापने के लिए किया जाता है, किसको, उष्मीय ऊर्जा को मापने के लिए किया जाता है। तो अभी तक में हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा कि उष्मा जो है उसका स्थानांतरण अधिक ताप से कम ताप वाली वस्तुओं की तरफ होता है, यह एक तरह की एनर्जी होती है, ठीक है, जिसका जिसमें क्या होता है ऊर्जा का रूपांतरण हो जाता है, ऊर्जा एक से दूसरे रूप में बदल जाती है। और बोलोमीटर क्या करता है, यह उष्मीय ऊर्जा को मापने का कार्य करता है। आगे बढ़ते हैं, अब आपके मन में होगा कि सर इस उष्मा को मापा कैसे जाता है, मापा कैसे जाता है, ठीक है। तो ये सर बता दीजिए, जिस तरह से किसी आलू को परचेज करने के लिए आलू को खरीदना पड़ता है और जब आलू खरीदा जाएगा तो उसको तौला जाएगा, उसका मापक क्या होता है, किलोग्राम, ठीक है, कितने में चाहिए, मतलब किलो में चाहिए, ठीक है, टन में चाहिए, क्विंटल में चाहिए, तो उसका मापक होता है। उसी तरह से याद रखिए यहां पर उष्मा का भी मात्रक होता है। तो यूनिट्स ऑफ हीट क्या है इसके बारे में जानना पड़ेगा आपको। अब ये जो यूनिट्स ऑफ हीट है उसको जानने से पहले आप समझिए, लिख रहा है उष्मा ऊर्जा का ही एक रूप है, ये हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। लिख रहा अतः उष्मा का जो एसआई मात्रक है,
क्योंकि यह ऊर्जा का रूप है, इसीलिए जो ऊर्जा का एसआई मात्रक है वही ऊष्मा का भी एसआई मात्रक माना जाता है। तो याद रखिए, ऊर्जा और ऊष्मा दोनों का इकाई मात्रक एक ही माना जाता है। किसको? जूल को माना जाता है। किसको? जूल को माना जाता है। आगे लिख रहा, परंतु व्यवहार में अगर हम प्रैक्टिकल सेंस में बात करें तो कभी कभी ऊष्मा के मात्रक के रूप में कैलोरी भी माना जाता है। ठीक है, व्यक्ति को, व्यक्ति के खाने में कैलोरी होती है ना, तो याद रखें कैलोरी में भी मापा जाता है, कभी कभी किलो कैलोरी में मापा जाता है, कभी कभी ब्रिटिश थर्मल यूनिट में मापा जाता है। तो अगर आपके सामने तीन शब्द आए तो मैं चाहता हूं इन तीनों शब्दों के बारे में दो दो लाइन आपको बता दिया जाए, क्योंकि यहां से भी प्रश्न आते हैं परीक्षा में। तो एकदम इत्मीनान से धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता चीजों को हमारे साथ आप पढ़ते चलिए और समझते चलिए। आगे दे रहा दोस्तों, अगर मैं बात कर रहा हूं कैलोरी की, ठीक है, कैलोरी की, ये कैलोरी क्या होता है दोस्तों? इसके लिए लिया गया कि एक ग्राम जल, कितना? एक ग्राम जल का तापमान एक डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा कितनी होती है? एक कैलोरी होती है। कितनी होती है? एक कैलोरी होती है। फिर से सुनिए, कह रहा है एक ग्राम जल का ताप बढ़ाने के लिए एक डिग्री सेल्सियस, कितना बढ़ाना है? एक ग्राम जल और उसका टेम्परेचर एक डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है, तो बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की जो मात्रा है वो कितनी होती है? एक कैलोरी होती है। और एक आंकड़ा यहां पर याद रखिए, एक कैलोरी बराबर कितना होता है? 4.186 जूल। कभी कभी एग्जाम में 186 न लेकर के लिख देता है 4.2। क्या लिख देता है? 4.2 जूल, लगभग 4.2। एग्जैक्ट आंकड़ा कितना है? 4.186 या एग्जाम में 4.2 जूल भी लिखा होता है तो याद रखिएगा। ठीक है, एक कैलोरी बराबर कितना जूल होता है? 4.2 जूल। जब एक, ये एक कैलोरी बराबर बताऊं, कभी कभी परीक्षा में उल्टा पूछ देता है कि एक जूल में कितने कैलोरी होते हैं, तो बताइए 0.24 कैलोरी। कितना? एक जूल बराबर 0.24 कैलोरी होता है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। अच्छा, ये तो हो गई कैलोरी की बात। दूसरा दे रहा है ब्रिटिश उष्मीय इकाई क्या होता है, इंग्लिश में ब्रिटिश थर्मल यूनिट इसको कहा जाता है। लिख रहा है क्योंकि वहां पर जो सबसे छोटे, जैसे हम लोगों के यहां ग्राम होता है, ग्राम से फिर किलोग्राम बनता है, उसी तरह से उन लोगों के यहां ब्रिटेन में पाउंड होता है, सबसे छोटा जो मात्रक होता है पाउंड होता है। तो यहां पर क्या ले लिया? एक ग्राम की जगह क्या ले लिया? एक पाउंड। एक पाउंड जल का ताप एक डिग्री फारेनहाइट, यहां पे एक डिग्री सेल्सियस बढ़ाया जा रहा था, यहां पे एक डिग्री फारेनहाइट बढ़ाने की बात की जा रही, अंतर है। एक डिग्री फारेनहाइट बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा कितनी होती है? एक ब्रिटिश ऊष्मीय इकाई होती है, एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट होता है। ठीक है, याद रखेगा। और एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट बराबर कितना होता है? तो 252 कैलोरी होता है। कितना? 252 कैलोरी। ठीक है, इसको भी याद रखेगा। जबकि यहां पर एक कैलोरी बराबर कितना होता है? तो 4.2 जूल होता है, याद रहेगा ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, परीक्षा में देता रहता है यहां से चीजें, तो अगर आप साथ में पढ़ते चलेंगे तो आपको बहुत अच्छे से चीजें तैयार हो जाएंगी। एक चीज और याद रखे, जो लोग काफी बाद में वीडियो देख रहे हैं, होता क्या है कि आप सभी का क्या नाम होता है कि सर इसका पीडीएफ मिल जाता तो बड़ा अच्छा रहता। तो दोस्तों इसका पीडीएफ जो है हमारी वेबसाइट है study91.co.in, वहां से जाकर के इसका पीडीएफ ले लीजिएगा। बट अभी नहीं, जब आपका फिजिक्स का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो वहां पे हम लोग जो है अपडेट कर देंगे, तो वहां से आप जाकर के ले सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा ताप, ताप माने क्या होता है? टेम्परेचर। ताप माने क्या होता है? टेम्परेचर। के बारे में देख लीजिए, कह रहा ताप वह भौतिक राशि है जिससे यह पता चलता है कि कोई वस्तु कितनी गर्म है अथवा कितनी ठंडी है। अगर टेम्परेचर ना होता तो क्या आप बता सकते हैं कि कोई वस्तु गर्म कौन सी है और ठंडी वस्तु कौन सी है? ठीक है, आप क्या बता सकते हैं? नहीं बता सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिए कैसे संभव है? यह ताप की वजह से संभव है, यह तापमान की वजह से संभव है। लिख रहा अर्थात दो भिन्न भिन्न वस्तुओं के बीच जो ऊष्मा का प्रवाह है उसकी दिशा का निर्धारण इस भौतिक कारण के कारण किया जा सकता है। यही वो भौतिक कारक है जिसके वजह से यह निर्धारण हो पाता है, यह ताप ही है भौतिक कारण। अरे भाई, अगर ताप की बात ना आती तो जो हमने बताया आपको कि चाय ठंडी हो जाती है,
वातावरण 35 से 40 डिग्री सेल्सियस तक गर्म है और चाय 70 डिग्री सेल्सियस तक गर्म है, तो ये 70 वाला आंकड़ा 35 से 40 तक आएगा ना, तो ये टेम्परेचर जो मैंने कह दिया कि 70 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, इसका तापमान कितना है 70 डिग्री सेल्सियस। ये डिग्री सेल्सियस क्या होता है अभी आगे बताऊंगा आपको, पैमाना है, ठीक है, तो वो तो अभी मैं आगे बताऊंगा, लेकिन यहां पर आप बताइए पहले कि वो तापमान है ना, तो ताप क्या है वो ये होता है। दूसरा पॉइंट यहां पर लिख रहा है कि दो वस्तुएं उष्मीय साम्य, उष्मीय साम्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, उष्मा को थर्मल और साम्य को बोला जाता है इक्विलिब्रियम, क्या बोला जाता है इक्विलिब्रियम, यानी बराबरी का स्थान। लिख रहा दो वस्तुएं उष्मीय साम्य में तब मानी जाती हैं जब उन दोनों के टेंपरेचर बराबर हो जाएं। मान लीजिए कमरे का एग्जैक्ट टेंपरेचर अगर 35 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, और यह चाय 70 डिग्री सेल्सियस है, तो चाय ठंडी होते 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 जब यह भी 35 डिग्री सेल्सियस तक ठंडी हो जाएगी, तो याद रखिए अब उसके बाद ये 34 नहीं होगी, क्यों, जितना टेम्परेचर इस वातावरण का है उतने पे जाकर के यह रुक जाएगी, ठीक है, तो इसको याद रखिए, जब दोनों 35-35 हो जाएंगे तो इसी को जो है थर्मल इक्विलिब्रियम का नाम दिया जाता है, उष्मीय साम्य कहा जाता है, समझ में आ गया ना, तो समझते चलिए। दूसरा दे रहा है दोस्तों तापमापी, क्या दे रहा है तापमापी, तापमापी को इंग्लिश में थर्मामीटर बोलते हैं, ठीक है, तो थर्मामीटर क्या होता है, कह रहा है कि ताप मापने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाला जो यंत्र है वो तापमापी कहलाता है, और यह यंत्र चार प्रकार का होता है, कितने प्रकार का, चार प्रकार का तापमापी होता है जिसके माध्यम से हम लोग ताप का मापन करते हैं। एक तो होता है सेल्सियस, ये सब पैमाने हैं, ठीक है, याद रखिए ये तापमान को मापने के पैमाने हैं, इसलिए यहां पे लिखा है मेजरमेंट ऑफ टेंपरेचर, ठीक है, तो याद रखिए चार हैं, पहला होता है सेल्सियस, सेल्सियस में आप ताप को माप सकते हैं, डिग्री सेल्सियस पूरा नाम है, दूसरा है फारेनहाइट, फारेनहाइट में आप ताप को माप सकते हैं, तीसरा है केल्विन, केल्विन को के से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो केल्विन में माप सकते हैं, और चौथा है रियूमर, क्या है रियूमर, आप नॉर्मली तीन ही जानते हो, डिग्री सेल्सियस, फारेनहाइट, केल्विन, चौथा भी याद रखिए रियूमर, ये चौथा टाइप है, इसके माध्यम से भी तापमान का मापन किया जाता है। आज ही इन चारों के बारे में भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है, थोड़ी विशेष क्लास है, और मेरी आदत तो आप जानते हो कि मैं हमेशा जो है कंटेंट के आधार पे पढ़ाता हूं, कभी टाइम देख के नहीं पढ़ाता हूं, तो एकदम इत्मीनान से शांति से आप सभी पढ़ते चलिए, और आपसे बार बार निवेदन कर रहा हूं दोस्तों, स्टडी 91 एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप डिटेल से एक एक विषय की क्लास देख सकते हैं, अपना एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं, एक बार यदि विषय पर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया ना, दोबारा इस सब्जेक्ट से किसी भी एग्जाम में, मुझे नहीं पता आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, लेकिन मैं इतना गट्स के साथ कह सकता हूं कि आप कोई भी एग्जाम देने जाओगे वहां पर फिजिक्स में कभी आपको कोई डाउट नहीं होगा, जिस भी चैप्टर को आपने पढ़ लिया फिर वहां डाउट नाम की कोई चीज नहीं हो सकती, ठीक है, क्यों, क्योंकि इतना मेहनत कर लिया जा रहा है, बताओ इससे ज्यादा क्या किया जाए। आपने भी फी पेड किया होगा, कोचिंग किया होगा, आपके कोचिंग के नोट्स होंगे आपके पास, एक बार नोट्स को उठाओ और आप देखो कि आपको भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स के नोट्स में क्या ये सारी बातें बताई गई थी, और अगर नहीं बताई गई थी तो आप कैसे मान सकते हो कि आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा, जब आपने पढ़ाई नहीं सही तरीके से तो आप कैसे क्वालिफाई कर जाओगे, नहीं क्वालिफाई कर पाओगे, जो बच्चा पढ़ेगा डिटेल में चीजों को क्वालिफाई भी तो वही करेगा ना, तो याद रखिएगा। अब चलिए इन चारों के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। सबसे पहला पैमाना है सेल्सियस। दोस्तों सेल्सियस को दो नामों से जाना जाता है, एक तो होता है सेल्सियस, दूसरा हम लोग आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं भैया 35 डिग्री सेंटीग्रेड, क्या बोलते हैं सेंटीग्रेड, तो ये जो सेंटीग्रेड है ये भी सेल्सियस का ही नाम है, कुछ अलग नहीं है, ये इस सेल्सियस का ही नाम है, तो लिख रहा है सेल्सियस पैमाना। अच्छा इसका नाम सेल्सियस क्यों पड़ा, क्योंकि स्वीडन जो देश है, स्वीडन की राजधानी कहां पर है, स्टॉकहोम है, ठीक है, स्वीडन जो देश है दोस्तों, इस स्वीडन देश के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था, क्या नाम था, सेल्सियस नाम था, ठीक है, तो याद रखिए उन वैज्ञानिक के नाम पर ही उन्होंने 1742 में इस पैमाने को बनाया, और इसीलिए इस पैमाने का नाम जो है सेल्सियस पैमाना रख दिया गया। तो क्या सर जो फारेनहाइट पैमाना है वो फारेनहाइट ने बनाया है, हाँ, अच्छा जो केल्विन पैमाना है सर क्या उसको केल्विन नाम के किसी वैज्ञानिक ने बनाया है, हाँ,
अरे सर ये तो बड़ा आसान हो गया, हमको तो आज तक पता ही नहीं था। पता नहीं था तो पता कर लो ना। 1742 में इस पैमाने को बनाया गया है, जबकि फारेनहाइट का पैमाना 1717 में ही डेवलप हो चुका था। ठीक है, चलिए वो तो बात की बात है। अब देखिए, हाँ एक चीज और याद रखे, सभी पैमाने में जो आधार लिया गया है वो शुद्ध जल को लिया गया है। आधार क्या है? शुद्ध जल। ठीक है, और यहाँ पे दो पॉइंट है। एक पॉइंट है हिमांक, हिमांक जिसको हम बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। ये फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? फ्रीजिंग पॉइंट वह पॉइंट होता है जिस पर कोई भी चीज जम जाती है, कोई भी चीज नहीं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं शुद्ध जल की, तो वह तापमान जिस पर जल द्रव से बर्फ में बदल जाएगा या द्रव से ठोस में कन्वर्ट हो जाएगा, वही इसका क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट है। और दूसरा शब्द है यहां पर क्वथन। क्वथन माने होता है क्वथनांक, यानी बॉइलिंग पॉइंट, यानी वाष्पीकरण हो जाए जल का, जल द्रव से गैस में बदल जाए। ठीक है, तो ये वाष्पीकरण हो गया। तो ये जो चारों पैमाने हैं ना, ये चारों पैमाने में दो चीजें याद रखनी है। एक तो फ्रीजिंग पॉइंट आपको याद रखना है, दूसरा बॉइलिंग पॉइंट आपको याद रखना है। परीक्षा में यहां से भी प्रश्न पूछा जाता है। तो ये जो डिग्री सेल्सियस का पैमाना था जो सेल्सियस साहब ने बनाया, तो उसमें उन्होंने बताया कि जो जल है ये 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या हो जाता है? जम जाता है। और ऐसा हम भी मानते हैं, क्यों? आम बोलचाल की भाषा में सबसे ज्यादा इस्तेमाल डिग्री सेल्सियस का ही होता है। ठीक है, तो 0 डिग्री सेल्सियस पर सब जम जाता है और 100 डिग्री सेल्सियस पर जल जो है, शुद्ध जल जो है, वो वाष्पीकृत होने लगता है, वो भाप बन जाता है। ठीक है, तो याद रखेगा, यानी जो जल का फ्रीजिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेल्सियस है, जबकि जल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस है। अच्छा, 0 से लेकर के 100 तक में कितनी गिनती आती है? सर 100 गिनती आती है। तो याद रखिए, 100 गिनती आती है, तो इसका मतलब इनके बीच के स्थान को 100 बराबर भागों में बांटा गया है और हर भाग 1 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। हर भाग कितना होता है? 1 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। और यहां पर देखिए वही चीजें दे रहा है। ठीक है, तो लिख रहा है यहां पर कि एंडरसन, पूरा नाम है एंडरसन सेल्सियस, 1742 में इन्होंने पैमाना बनाया। कर द सेल्सियस थर्मामीटर वाज इन्वेंटेड बाय स्वीडिश एस्ट्रोनॉमर एंड्रेस सेल्सियस इन 1742, याद रखेगा। ठीक है, और यहां पर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर 0 डिग्री सेल्सियस और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि ह्यूमन बॉडी जो है, हमारी शरीर जो है, परीक्षा में प्रश्न आता है, हमारी शरीर अगर डिग्री सेल्सियस में बताया जाए तो कितना गर्म है, तो लगभग माना जाता है 37 डिग्री सेल्सियस। कितना हमारा शरीर कितना है? लोग कहते हैं 100 डिग्री सेल्सियस का बुखार चढ़ गया। अरे मूर्ख इंसान, 100 डिग्री सेल्सियस का बुखार चढ़ जाएगा तो शरीर रहेगी या शरीर भाप में बदल जाएगी? हाँ, शरीर ही नहीं रहेगी, समझ रहे हो? तो 100 डिग्री सेल्सियस का बुखार नहीं चढ़ता है, 100 डिग्री फारेनहाइट का बुखार चलता है। ठीक है, सेल्सियस का नहीं। सेल्सियस में कितना होता है? 37 से 38 हो जाए, 39 हो जाए, वही बहुत बड़ी बात है, इससे ज्यादा नहीं जाता है। तो याद रखिए 37 डिग्री सेल्सियस यह ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर होता है। चलिए दूसरा पैमाना हमारे सामने है फारेनहाइट का पैमाना। ठीक है, करा जर्मनी के वैज्ञानिक का नाम है फारेनहाइट। ठीक है, इन्होंने 1717 में इस फारेनहाइट पैमाने को बनाया था। और यहां पर जो फ्रीजिंग पॉइंट है, वही वाली पॉइंट जो वहां पर 0 था, 100 था, वही फ्रीजिंग पॉइंट यहां पर 32 डिग्री फारेनहाइट है। मतलब इसका न्यूनतम जो शुरुआत है वो कितना है? जमना। जल कहां पे जमेगा जाकर के? तो 32 डिग्री फारेनहाइट, सेल्सियस नहीं। सेल्सियस कहां बोल रहे हो? सेल्सियस नहीं बोलना है, 32 डिग्री फारेनहाइट पर जल जम जाएगा, यह इसका फ्रीजिंग पॉइंट है। और बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 212 डिग्री फारेनहाइट, 212 डिग्री फारेनहाइट इसका क्या है? बॉइलिंग पॉइंट है। किसका? इस फारेनहाइट पैमाने का बॉइलिंग पॉइंट है। ठीक है, जो वहां पे 100 और 0 था वो यहां पर 32 और 212 है, तो याद रखेगा। ठीक है, आगे देखिए, अब इनके बीच में कुल कितना स्थान हो गया? तो 32 में से 32 घटा दीजिए 212 में से, तो कितना आ जाएगा? 180 आ जाएगा। तो याद रखिए 180 छोटे छोटे खाने होते हैं, जिस तरह से डिग्री सेल्सियस के पैमाने पर 100 छोटे छोटे खाने होते हैं, हर खाना 1 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है, उसी तरह से यहां पर 180 छोटे छोटे खाने होते हैं और हर खाना 1 डिग्री फारेनहाइट के बराबर होता है। यहां पर भी डिग्री शब्द का इस्तेमाल होता है, सेल्सियस में भी डिग्री का इस्तेमाल होता है और फारेनहाइट में भी डिग्री का इस्तेमाल होता है, लेकिन केल्विन और रियूमर में डिग्री का इस्तेमाल नहीं होता है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट देखिए, एक क्वेश्चन यहां पे बहुत आता है परीक्षा में, -40 डिग्री सेल्सियस, यह एक ऐसा बिंदु है,
क्या मैंने बोला माइनस में चला गया और 40 डिग्री सेल्सियस, कितना माइनस 40, मतलब जीरो पे तो कोई चीज बर्फ जम जाती है उसके भी नीचे चले गए। सियाचिन ग्लेशियर का नाम सुना होगा, ठीक है, वहां का टेम्परेचर जो है वो नॉर्मली कितना होता, -40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है वहां का। तो याद रखे -40 डिग्री टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर है जहां पर सेंटीग्रेड और फारेनहाइट का तापमान बराबर हो जाता है, ये दोनों क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, ठीक है। डिग्री सेल्सियस और फारेनहाइट का तापमान बराबर किस पर होता है, तो -40 डिग्री सेल्सियस, ये प्रश्न आपसे परीक्षा में हजारों बार पूछा गया है तो याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट देखिए यहां पर लिख रहा मानव शरीर का जो एग्जैक्ट तापमान होता है, अभी भी मैंने बताया 37 डिग्री सेल्सियस होता है, एग्जैक्ट की बात करें तो 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है और इसी को अगर फारेनहाइट में कन्वर्ट करें तो 98.6 डिग्री फारेनहाइट होता है। जब कभी व्यक्ति को तेज बुखार आता है तो यही 98 डिग्री फारेनहाइट बढ़ करके 100 डिग्री फारेनहाइट तक पहुंच जाता है। अगर इसी को मैं केल्विन में बात करूं तो इसी को 310 केल्विन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, 310 केल्विन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है 310, उसके बारे में भी आपको बताता हूं, सुनिए। अब यहां पे लिख रहा है दोस्तों फारेनहाइट का पैमाना, फारेनहाइट का पैमाना कुछ इस तरीके से होता है। यहां पर दोस्तों देखिए, यहां पर देखिए, यहां पर 94 डिग्री फारेनहाइट से शुरुआत होती है इसकी, ठीक है। इस अगर मैं बुखार मापने वाले इस फारेनहाइट क्लिनिकल थर्मामीटर की बात करूं तो अदरवाइज जो न्यूनतम होता है वो तो 32 से शुरू होता है, कितने से, 32 डिग्री फारेनहाइट से शुरू होता है और ये जाता है 212 डिग्री फारेनहाइट तक, हाईएस्ट वैल्यू जो है, ठीक है, तो याद रखें। लेकिन इस थर्मामीटर में हाईएस्ट 108 डिग्री फारेनहाइट होता है और न्यूनतम 94 डिग्री फारेनहाइट होता है और यहां पर व्यक्ति का जो टेम्परेचर है 98.6 डिग्री फारेनहाइट है। तो याद रखिएगा अगर कभी इस, और ये रेड कलर का बना होता है थर्मामीटर पर, अगर कभी ये जो है पारा इसमें भरा होता है, ये पारा कभी इसके ऊपर जाता है तो इससे ये पता चलता है कि व्यक्ति के शरीर का तापमान बढ़ा हुआ है, ठीक है, ठीक है, और फारेनहाइट में बढ़ा हुआ है, इसको भी आप जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए यहां पर दे रहा है कि गैब्रियल फारेनहाइट ने 1724 यहां लिख रहा, बट 1717 आप याद रखिएगा, ठीक है, में इसकी खोज किया था उन्होंने। 32 डिग्री फारेनहाइट न्यूनतम है, 212 डिग्री फारेनहाइट अधिकतम है। तीसरा वाला है दोस्तों केल्विन। अब चलिए केल्विन पैमाने पर हम लोग बातचीत कर लेते हैं। केल्विन दोस्तों ब्रिटेन के रहने वाले वैज्ञानिक थे, याद रखेगा, ठीक है। लिख रहा है कि केल्विन ने 1852 में इस पैमाने को बनाया था जिसमें जो फ्रीजिंग पॉइंट है, जो हिमांक बिंदु है, वो था 273 डिग्री केल्विन। कितना था, डिग्री नहीं, नितिन गुप्ता डिग्री नहीं बोलना है, गलत नहीं बोलना है, ठीक है, 273 केल्विन। क्या बोलेंगे, जो न्यूनतम फ्रीजिंग पॉइंट है वो क्या है, 273 केल्विन होता है। और याद रखिए जो बॉइलिंग पॉइंट है, ये तो फ्रीजिंग पॉइंट था, जो बॉइलिंग पॉइंट है इसी से 100 आगे है, 373 केल्विन, ये हाईएस्ट है, ये लोएस्ट वैल्यू है, ये हाईएस्ट वैल्यू है। तो कुल मिला के खाना कितना बना, 100 खाना ही तो बना, तो याद रखिए हर खाने 1 केल्विन के बराबर होता है। लिख रहा ताप का जो एसआई मात्रक होता है, ताप का, उष्मा का नहीं, उष्मा का जो एसआई मात्रक होता है वो ऊर्जा के एसआई मात्रक के बराबर होता है, जूल ही होता है। यहां पर ताप का एसआई मात्रक पूछ रहा है, याद रखे ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है। क्या होता है, ना तो डिग्री सेल्सियस होता है ना ही डिग्री फारेनहाइट होता है, क्या होता है, केल्विन होता है। और एक चीज और याद रखिए, केल्विन स्केल को कभी कभी एब्सोल्यूट स्केल के नाम से भी बोला जाता है, जाना जाता है, तो इसका एक दूसरा नाम भी याद रखिए। जिस तरह से डिग्री सेल्सियस को सेंटीग्रेड बोला जाता है, उसी तरह से यहां एब्सोल्यूट स्केल भी आप याद रखिएगा। करा केल्विन ने यह आविष्कार एक और ब्रिटिश भौतिक शास्त्री थे जिनका नाम था विलियम थॉमसन, उनके साथ मिलकर के इस पैमाने को बनाया था। तो इसमें केल्विन के साथ साथ थॉमसन भैया का भी अपना योगदान है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये केल्विन का एक पैमाना है, केल्विन साहब का इमेज देख लीजिए, ये केल्विन जी है, ठीक है, और एक केल्विन पैमाना है। केल्विन पैमाने पर दोस्तों आपको कुछ इस तरह की पट्टी दिख रही है, ये 1000 जो लिखा है ना, ये 1000 केल्विन है, ये 2000 केल्विन, 3000, 4000, 5000, ऐसे करते ही 10,000 केल्विन लिखा हुआ है। तो यहां पर जो कैंडल लाइट है वो कुछ इस तरह की दिखती है, जो मोमबत्ती की लौ दिखती है वो यहां पर दिखती है, ठीक है। उसी तरह से अलग अलग चीज दिखाया है कि लाइट के बारे में बताया है, और यहां पर ब्लू स्काई, याद रखिए ये 10,000, मतलब जहां पर नीली लौ आ जाती है उसका टेम्परेचर सबसे ज्यादा माना जाता है, और आपको पता होगा इसके बारे में, ठीक है, केल्विन टेम्परेचर ही होता है। आगे देखिए रूमर पैमाना जो है, इस पैमाने के बारे में जान लीजिए। कर ताप के इस पैमाने में शुद्ध
जल में जो हिमांक होता है वो 0 डिग्री माना जाता है, 0 डिग्री र्यूमर माना जाता है, और क्वथनांक जो होता है ये 80 डिग्री र्यूमर माना जाता है। मैंने शायद पीछे आपको बोला कि केल्विन और र्यूमर में डिग्री नहीं लगता, केवल केल्विन में डिग्री नहीं लगता, बाकी तीनों में लगता है, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फारेनहाइट, डिग्री र्यूमर, ये तीनों में लगता है। तो याद रखें यहाँ पर 0 और 80 है। तो एक बार मैं फिर से बताना चाहूंगा, 0 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, ये हमारा सेल्सियस पैमाना था। क्या था ये? हमारा सेल्सियस पैमाना था। दूसरा था दोस्तों जिसमें हम लोगों ने पढ़ा, 32 डिग्री फारेनहाइट से लेकर के 212 डिग्री फारेनहाइट तक, ये हमारा फारेनहाइट पैमाना हो गया। तीसरा हमने पढ़ा 273 डिग्री, सॉरी डिग्री नहीं लगाना है, देखो बार बार वही बोलते हो और वही गलती कर देते हो, ठीक है। तो 273 केल्विन से लेकर के 373 केल्विन तक, ठीक है, क्या होता है ये केल्विन का पैमाना होता है। और अगर मैं र्यूमर की बात करूं तो ये 0 से लेकर के 80 डिग्री र्यूमर होता है। र्यूमर को RE से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको याद रखेगा। ये इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 80 डिग्री र्यूमर है, और जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री र्यूमर होता है। इसको याद रखेगा, परीक्षा में कहीं से कुछ भी पूछ सकता है, मिनिमम क्या है या फ्रीजिंग पॉइंट क्या है या बॉइलिंग पॉइंट क्या है, क्वथनांक, गलनांक, कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। आगे देखिए, गलनांक नहीं, ठीक है, हिमांक बोलिए, गलनांक नहीं आया यूज करना है। लिख रहा है इनके स्थान को 80 बराबर भागों में बांटा गया और हर एक भाग 1 डिग्री र्यूमर के बराबर होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहां पर एक पैमाना दे दिया, ठीक है। यहां पर देखिए सेंटीग्रेड, फारेनहाइट, र्यूमर दे रहा है, ठीक है। यहां पर 100, 212, 80 दे रहा है, यहां पर 0, 32, 0 दे रहा है, ठीक है। ये तो आप जानते हो, बाकी वही चीजें यहां पर भी दिया हुआ है, ठीक है। तो इसके बारे में बहुत बताने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, करा परम शून्य ताप क्या होता है? एब्सोल्यूट परम शून्य ताप को क्या लिया जाता है दोस्तों? तो इसको बोला जाता है एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। अच्छा, आपको लगता है दोस्तों क्या कि परम शून्य ताप, ये परम अधिकतम ताप क्यों नहीं बोला? क्यों? क्योंकि अधिकतम तापमान कितना हो सकता है आज तक ज्ञात ही नहीं हो पाया। पता चला सूर्य सबसे ज्यादा गर्म है, तो बाद में पता चला कि नहीं, कुछ ऐसे तारे हैं जो सूर्य से भी ज्यादा गर्म है। कैसे? क्योंकि सूर्य एक पीला तारा है, सूर्य एक पीला तारा है, जबकि कुछ तारे ऐसे हैं जो नीले रंग के हैं, और नीले रंग का तापमान सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। तो उस नीला तारा है क्योंकि वह हमसे बहुत दूर है, इस वजह से एग्जैक्ट टेंपरेचर ज्ञात कर पाना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो अधिकतम कितना ताप है इसको जानने की सीमा कोई है ही नहीं, तो इससे ज्यादा अच्छा यह हुआ कि भाई न्यूनतम वाली सीमा ही ज्ञात कर लिया जाए, इसीलिए इसका नाम रखा गया परम शून्य ताप, ठीक है, कि सबसे न्यूनतम कौन सा है। वैसे हम लोग तो न्यूनतम किसको मानते हैं? जीरो। हम लोग सबसे छोटा क्या मानते हैं? सबसे छोटा अंक क्या मानते हैं? जीरो। लेकिन क्योंकि जब टेम्परेचर की बात करते हो तो आप -40 डिग्री चले जाते हो, यानी जीरो के नीचे भी आ जाते हो ना, ठीक है। इसीलिए कहा गया परम शून्य, नहीं तो शून्य ताप भी तो हो सकता था, इसीलिए कहा गया परम शून्य, यानी जो सबसे निम्नतम है वो ताप कितना है। तो कह रहा है कि न्यूनतम संभव ताप की कंफर्मेशन हो चुकी है, और वह कितना है तो याद रखिए, लिख रहा हुआ है 0 केल्विन। कितना है? 0 केल्विन। और हम लोगों ने तो 0 केल्विन देखा ही नहीं, हम लोगों ने तो अपनी कहानी में 273 केल्विन देखा है, 273 केल्विन से 373 केल्विन, यहां कह रहा है 0 केल्विन, लिख रहा है 0 केल्विन या -273 डिग्री सेल्सियस। तो याद रखिए 0 केल्विन के बराबर ही कितना होता है? -273 डिग्री सेल्सियस होता है। 273 वाला आंकड़ा दो बार आ रहा है, एक बार 273 आया वो केल्विन का न्यूनतम मान था, और यहां पर 273 आ रहा है माइनस में, ठीक है, और ये डिग्री सेल्सियस लगा हुआ है, ये बराबर होता है 0 केल्विन के, तो इसको याद रखेगा। करा इससे नीचे कोई भी ताप हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस ताप पर जो पदार्थ के अणु होते हैं उनकी गति न्यूनतम हो जाती, न्यूनतम का समझ लीजिए शून्य हो जाती है, मतलब वो अणु अब हिलते डुलते ही नहीं है, तो वहां पर ताप की कोई संभावना ही नहीं, ठीक है। तो याद रखिए ये सबसे न्यूनतम ताप माना जाता है 0 केल्विन को, 0 डिग्री मत बोलिएगा, 0 केल्विन को। आगे दे रहा है कन्वर्जेंस, ठीक है, लिख रहा है टू कन्वर्ट फ्रॉम सेल्सियस टू केल्विन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट आंकड़ा है। कह रहा है कोई भी कन्वर्जन अगर आपको करना है, सेल्सियस से आपको केल्विन में जाना है, तो आप याद रखिए हमेशा 273 डिग्री ऐड कर दिया करिए। मतलब मान लीजिए अगर आपको केल्विन में जाना है, मैंने कहा कि हमारे शरीर का टेम्परेचर कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस, और आपको केल्विन में ज्ञात करना है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप 273 में ले जा करके जोड़ देना, ये जो मैं 37 बोला हूं इसी को जोड़ देना, तो जोड़ दो 7 3 10 के 0 8 लगा 21, 7 3 10 से 11 को 1 और 2 1 3, तो 310 केल्विन आ गया, 310 केल्विन, यही तो भी पीछे आया था। तो मैं आपको बोल रहा था कि शरीर का सामान्य ताप केल्विन में कितना होता है? 310 केल्विन होता है, जबकि ऐसे
37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो याद रखिए इस डिग्री सेल्सियस में अगर इस इसको प्लस करके जोड़ दिया जाए प्लस 273 डिग्री सेल्सियस तो ये केल्विन मान लिया जाता है, ठीक है, ये केल्विन में आ गया। उसी तरह से अगर आपको कन्वर्ट करना है केल्विन से सेल्सियस, ठीक है, तो आप क्या करोगे, अगर आपको केल्विन से सेल्सियस जाना है ना तो याद रखिए दोस्तों, ठीक है, सब्सट्रैक्ट 273 फ्रॉम द केल्विन टेम्परेचर, तो याद रखिए इसको आपको घटाना पड़ेगा। ये खैर हम लोगों के आगे न्यूमेरिकल आएगा, वहां पे मैं आपको बता दूंगा, समझा दूंगा, ठीक है। आगे देखिए तापमापी के बारे में बता रहा है, थर्मोमीटर के बारे में बता रहा है, जाना नहीं है, पूरा पढ़ना है आज, ठीक है। थर्मोमीटर क्या होता है, एक एक लाइन की बात है, ज्यादा नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए थर्मोमीटर होता क्या है, अभी तक तो हम लोगों ने देखा कि इसको मापेंगे कैसे, डिग्री सेल्सियस बोला जाए या फिर डिग्री फारेनहाइट बोला जाए या फिर केल्विन बोला जाए या फिर डिग्री रूमर बोला जाए, इसको बोला क्या जाए, अभी तो खाली ये डिसाइड हुआ है। अब यहां पे वो ताप मापने वाला यंत्र के बारे में आपको बताने जा रहा हूं, लिख रहा है कि ताप को मापने वाले यंत्र को तापमापी कहा जाता है। वास्तव में पदार्थ के बहुत से भौतिक गुणों के साथ साथ तापमान का परिवर्तन होता रहता है और उसी के आधार पर अलग अलग तापमापी बनाई गई। उसी में से 7 तापमापी हैं जिनके बारे में अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। पहला है द्रव तापमापी, द्रव को इंग्लिश में लिक्विड बोलते हैं और तापमापी को क्या बोलते हैं, थर्मोमीटर बोलते हैं, तो लिक्विड थर्मोमीटर इसका नाम रख दिया गया, द्रव तापमापी। अब इसका मतलब है कि उस तापमापी के अंदर द्रव का इस्तेमाल किया जाएगा, द्रव में किसका इस्तेमाल किया जाएगा, तो याद रखिए दो चीजों का इस्तेमाल किया जाता है, एक इस्तेमाल किया जाता है पारा का और दूसरा इस्तेमाल किया जाता है अल्कोहल का, किसका। अब आपके मन में आएगा सर पारा और अल्कोहल से ही दोस्ती क्यों, क्यों कोई और नहीं, क्योंकि सामान्य ताप पर जो पारा होता है द्रव अवस्था में होता है, ठीक है, और इस पर जो है ये मतलब सबसे शुद्ध गणना करता है, ठीक है। इस वजह से आपने देखा होगा कि स्फिग्मैनोमीटर जो होता है जिससे ब्लड प्रेशर मापा जाता है उसमें भी जो है पारे का इस्तेमाल किया जाता है। अगर थर्मामीटर की बात कर दूं जो बुखार को मापता है उसमें भी पारे का इस्तेमाल किया जाता है, क्यों, क्योंकि यही उसका रीजन है। आगे लिख रहा है, कह रहा है द्रव तापमापी में या तो पारा को इंग्लिश में मरकरी बोलते हैं और इसको एचजी से डिनोट किया जाता है, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने, और दूसरा है अल्कोहल, इसको C2H5OH बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अल्कोहल को क्या बोला जाता है, इसका रासायनिक सूत्र क्या है, C2H5OH, ऐसे लिखिएगा, ठीक है, तो याद रखिए इसमें लिखा जाता है। अब यहां पर दो तरह के तापमापी बन गए, जिसमें पारा डला हुआ है, जो पारे के माध्यम से बना है उसको पारा तापमापी बोलते हैं, मतलब मरकरी थर्मोमीटर कहा जाता है, और जो अल्कोहल भर रहा है जिसमें बना भरा हुआ है वो अल्कोहल तापमापी हो गया, वह अल्कोहल थर्मोमीटर हो गया। लिख रहा द्रव तापमापी में पारा का उपयोग करके पारा तापमापी बनाते हैं और उससे व्यक्ति के शरीर का तापमान मापा जाता है। लिख रहा पारा -39 डिग्री सेल्सियस तक ही झेल पाता है, उसके ऊपर जो है जाने पर ये पारा क्या हो जाता है, जम जाता है। अगर -39 डिग्री सेल्सियस से ऊपर गए तो पारा जम जाता है। तो अगर मान लीजिए जाकर के सियाचिन ग्लेशियर में कुछ मापना हो, किसी व्यक्ति के शरीर का टेम्परेचर मापना हो, तो पता चलेगा वहां तो पारा तापमापी काम ही नहीं करेगा, तो एल्कोहल तापमापी वहां इस्तेमाल किया जाता है। क्यों, क्योंकि एल्कोहल जो है ये -39 क्या -40 पे भी नहीं जमेगा, ठीक है, कितने पे नहीं जमेगा, तो -115 डिग्री सेल्सियस तक अगर टेम्परेचर गिर जाए तो पानी जम जाएगा लेकिन दारू नहीं जमेगा। अल्कोहल जो है वो जान लीजिए वो बर्फ में कन्वर्ट नहीं होगा, तो -115 डिग्री सेल्सियस। तो याद रखिए अल्कोहल का जो गलनांक है या हिमांक जो है वो अत्यंत निम्न है, कितना है, -115 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, तो याद रखिएगा। इसीलिए अति ठंडे प्रदेशों में जो तापमान का मापन किया जाता है वो अल्कोहल तापमापी से किया जाता है, ना कि द्रव तापमापी से। बोलो समझ में आया कि नहीं, आएगा समझ में, मेरे रहते समझ में ना आए ऐसा हो नहीं सकता है। आगे देखते हैं, दूसरा है डॉक्टरी तापमापी। ये डॉक्टरी क्या होता है, डॉक्टरी को इंग्लिश में बोलते हैं क्लिनिकल, क्लिनिकल मतलब जिसका इस्तेमाल क्लिनिक वगैरह में होता है, चिकित्सक के द्वारा डॉक्टर के द्वारा किया जाता है, क्लिनिकल थर्मोमीटर है। लिख रहा मानव और अन्य जानवरों के अगर शरीर का ताप हमें ज्ञात करना हो तो एक विशेष प्रकार का पारा तापमापी का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें टेम्परेचर ना तो बहुत ज्यादा कम होता है ना तो बहुत ज्यादा ज्यादा होता है, क्योंकि शरीर का एक अधिकतम और न्यूनतम टेम्परेचर होता है। तो यहां पर याद रखिए 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 43 डिग्री सेल्सियस तक का ही तापमान इस थर्मामीटर पर दिया होता है, या अगर मैं फारेनहाइट में बताऊं तो 94 डिग्री फारेनहाइट यहां पर होता है, वहां से लेकर के 108 या कभी कभी 110 डिग्री फारेनहाइट तक का तापमान जो है यहां पर दिया जाता है। तो उसके माध्यम से आप जो है डिग्री सेल्सियस में भी चीजें देख सकते हैं और जो है फारेनहाइट में भी देख सकते हैं।
उसी तरह से जिस तरह से स्केल के ऊपर जो है सेंटीमीटर भी बना होता है और मीटर भी बना होता है, ठीक है, तो याद रखिए, या फिर इंच भी बना होता है, ठीक है, तो उसके आधार पर जैसे यहां पर दोनों पैमाने होते हैं उसी तरह से इस थर्मामीटर में भी डिग्री सेल्सियस के साथ साथ फारेनहाइट का भी पैमाना दिया गया होता है। लिख रहा है कि इसका प्रयोग विशेषतः ज्वर यानी बुखार को मापने के लिए किया जाता है। इसमें 37 डिग्री सेल्सियस या फिर 98.4 नहीं होगा वैसे 98.6 यहां पे होगा, ठीक है, डिग्री फारेनहाइट पर एक लाल निशान बना होता है। अगर यह पारा उसके ऊपर चला जाता है मतलब व्यक्ति का शरीर में तापमान अधिक हो गया, उसको बुखार है, ठीक है, और इसके नीचे आने पर जो है यानी बुखार चला गया है, तो याद रखिएगा। तीसरा दोस्तों गैस तापमाप यानी गैस थर्मोमीटर क्या होता है ये सुनिए। देखिए अलग अलग तापमापियों को बनाने की जरूरत इसलिए पड़ी, जैसे मान लीजिए पहले पारा तापमापी बना, बाद में लोगों को पता चला कि जो बहुत ठंडे प्रदेश हैं वहां पे पारा तापमापी काम ही नहीं आ रहा है, तो लोगों ने खोज किया तो एल्कोहल तापमापी बनाया, एल्कोहल वाला बन गया। पता चला व्यक्ति के शरीर का तापमान मापना है तो उसमें बहुत ज्यादा नीचे और बहुत ज्यादा ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, तो एक स्पेशल जो है क्लिनिकल थर्मामीटर बना किससे व्यक्ति के शरीर का टेम्परेचर माप लिया जाए। एक गैस तापमापी बना, गैस तापमापी में भी दो तरह के गैसों का इस्तेमाल किया जाता है, एक हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल करके बनता है, एक नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल करके बनता है। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर इतना डिटेल में तो कुछ आता नहीं है, ये पढ़ा क्यों रहे आप? दोस्तों आता नहीं है तो कौन सी गारंटी कि अगले 10-5 सालों में आएगा नहीं? हाँ, तो मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि 10-5 सालों तक आप ऐसे ही बैठे रहोगे, लेकिन यार आप पढ़ रहे हो ना तो शिक्षा ग्रहण करो ना। आप ये क्यों सोचते हो कि सर आता नहीं? क्या आप केवल इसीलिए पढ़ रहे हो कि आप परीक्षा में पास हो जाओ? अगर आप इसलिए पढ़ रहे हो तो मत पढ़ो भैया, क्यों? क्योंकि ऐसे लोगों को पढ़ने की कोई फायदा नहीं है। आप जब जीवन में चीजों को जान ही नहीं पाओगे, अरे ज्ञान होता क्या है? ज्ञान आपको निखारता है, आपको लोगों से अलग करता है, ठीक है, तो इस ज्ञान को आप सदा के लिए ग्रहण करिए, आप सीखिए, विषय वस्तु में लगाव रखिए। आपको पता है कई लोग सोचते हैं कि आखिर नितिन सर इतने विषय को कैसे पढ़ाते हैं, मन में आता है विचार और आप लोगों के भी मन में आता है, बराबर मैं कमेंट पढ़ता रहता हूं तो देखता हूं उसमें तमाम लोग इस तरह के मैसेज देते रहते हैं। दोस्तों केवल एक रीजन है मुझे सब विषय पढ़ाने का, सिर्फ एक रीजन है कि मेरी रुचि हर विषय में होती है। रुचि जो होती है आदमी का जो टेस्ट है, जिस दिन व्यक्ति को लगेगा कि नहीं यार मैं हिस्ट्री के अलावा तो कुछ पढ़ा ही नहीं सकता, मैं तो हिस्ट्री के अलावा कुछ सीख ही नहीं सकता, मैं तो जान ही नहीं सकता, तो उस दिन व्यक्ति की विचारधारा सीमित हो जाती है। जब मुझे फिजिक्स पढ़ाना होता है मैं उतने ही शिद्दत से, जितने शिद्दत से हिस्ट्री पढ़ के आपको पढ़ाता हूँ उतने ही शिद्दत से मैं फिजिक्स में भी काम करता हूँ, ठीक है, तब मुझे फिजिक्स में रुचि आती है। और मैं हमेशा देखता हूँ यार विषय में रुचि आनी चाहिए, क्योंकि जब तक विषय में रुचि नहीं आएगी कोई भी विषय आप याद नहीं कर पाओगे, कुछ भी नहीं याद कर पाओगे, ठीक है। इसलिए आपको बार बार कहा जाता है कि आप विद्यार्थी हो और आप अपना रुचि सीमित मत करिए कि हमें केवल हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी के भरोसे पास हो जाना। कुछ लोग ऐसे करते हैं हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी पढ़ ली, इकोनॉमिक्स से 4 क्वेश्चन आएगा छोड़ देंगे, बाकी से तो पास हो जाएंगे। ऐसे नहीं पढ़ा जाता है, ये कोई स्ट्रेटजी नहीं है, ठीक है, ये कोई स्ट्रेटजी नहीं है और ये सही स्ट्रेटजी भी नहीं है। तो आप जो है विद्यार्थी हैं, आपका धर्म है पढ़ना, आप पढ़िए और सीखिए। चलिए बताइए, तो यहां पर गैस तापमापी है दोस्तों, जब कभी हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल करके गैस तापमापी बनाया जाता है तो उसकी जो टेम्परेचर मापने की क्षमता होती है वो 500 डिग्री सेल्सियस तक की कोई भी चीजों का टेम्परेचर माप सकता है। कितना अधिकतम? कितना? 500 डिग्री सेल्सियस तक जो चीजें गर्म होंगी उनको ही इस गैस तापमापी से मापा जा सकता है। लेकिन अगर इससे ज्यादा कोई टेम्परेचर की चीजें मिल गई तो आप माप नहीं सकते हो। तो याद रखिए, फिर नाइट्रोजन का इस्तेमाल किया गया तो नाइट्रोजन से पता चला कि इसकी क्षमता बढ़ गई 1500 डिग्री सेल्सियस तक जो है इस गैस तापमापी में, अगर नाइट्रोजन गैस तापमापी का इस्तेमाल किया गया तो उससे जो है 1500 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को मापा जा सकता है। तो इसको आप याद रखिएगा। अगला है दोस्तों ताप युग्म तापमापी। ताप युग्म माने क्या होता है? ताप का हो जाता है थर्मो और युग्म का हो जाता है कपल। युग्म माने क्या होता है? कपल। तो लिख रहा है कि थर्मो कपल थर्मामीटर, ठीक है। यह क्या होता है? कह रहा है सीबेक प्रभाव पर आधारित है। अब सीबेक प्रभाव क्या होता है बता रहा हूं, रुको पहले एक लाइन पढ़ लो। कह रहा सीबेक प्रभाव पर आधारित है और इस तापमापी से -200 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 1600 डिग्री सेल्सियस तक की चीजों को आप माप सकते हो। वहां पे क्या था कि माइनस में नहीं माप पाते, यहां पे क्या है अभी जो हमने देखा नाइट्रोजन गैस तापमापी, क्या वहां पे माइनस में माप सकते हो? नहीं। जबकि ताप युग्म जो तापमापी यहां पे माइनस में भी माप सकते हो, तो -200 से लेकर के 1600 डिग्री सेल्सियस तक जो मापा जा सकता है। अब बात आती है दोस्तों सीबेक प्रभाव क्या था। दोस्तों सीबेक नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया
जो बताया वही सीबेक प्रभाव कहा जाता है। बताया क्या, उन्होंने बताया कि जब दो अलग अलग धातुओं के तारों के सिरों को जोड़ दिया जाता है, अलग अलग धातु, एक तामे, एक तामा है, एक चांदी है, जो जब दो अलग अलग धातु के तारों के सिरों को जोड़ करके एक बंध बनाया जाता है, एक बंध परिपथ बनाया जाता है। बंध परिपथ समझते हैं, जो चारों तरफ से क्लोज्ड हो, कहीं से ओपन ना हो, एक बंध परिपथ बनाते हैं। तो इस परिपथ की संधियों, संधियों मतलब जहां पर यह वायर जुड़ा है, जहां पर यह धातु जुड़ा है, करा इस परिपथ की संधियों को अलग अलग ताप पर रखा जाता है। मान लीजिए ये दो वायर है आपके पास, अब जब इनको जब जोड़ोगे तो ये आकर के यहां मिलेगा, ये आकर के यहां मिलेगा, मान लो यहां पे आके मिल गया, ठीक है, यहां पे मिल गया मान लो, और एक जो है यहां पे आके मिल गया, यहां पे मिल गया। तो दोस्तों एक यहां मिला, एक ये एक अलग है, ये अलग है, ये दोनों अलग अलग धातुओं के हैं। प्लस यहां पे भी जो जंक्शन है, ये जो संधि है, यहां पर याद रखिए वह संधि पर भी अलग अलग ताप रखे गए। मान लो यहां पर कोई गर्म चीज रखी गई है और इस तरफ कोई ठंडी चीज रखी गई, ठीक है। तो कह रहा है कि इस जब अब उसके बाद जब कभी इसमें क्या करोगे, विद्युत धारा प्रवाहित करोगे, तो याद रखिए जो धाराएं बहती है ना, ये ताप विद्युत धारा कहलाती है, ये थर्मो इलेक्ट्रिक करंट इसको कहा जाता है, और यही सीबेक प्रभाव माना जाता है, ठीक है। तो दोस्तों आगे जब हम लोग विद्युत धारा वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल से मैं एक कॉन्सेप्ट को दूर कराऊंगा, आपका क्लियर कराऊंगा, ठीक है, बढ़िया से पढ़ाऊंगा। तो अभी आप ये चीजें आप याद रखिएगा, ठीक है, कि -200 से लेकर 1600 तक की चीजें जाती है। प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी, ये क्या होता है, प्लेटिनम प्रतिरोध। अब जाहिर सी बात है इसमें इस्तेमाल किया गया प्लेटिनम का, जो गैस तापमापी था उसमें गैस का इस्तेमाल किया गया, जो द्रव तापमापी था उसमें एल्कोहल द्रव होता है, पारा द्रव होता है, उसका इस्तेमाल किया गया, ठीक है, और जो क्लिनिकल था उसमें क्लिनिक के पर्पस से बनाया गया, तो उसी हिसाब से इसका नाम भी दिया गया है। यहां पर दे रहा है कि प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी, यानी प्लेटिनम रेसिस्टेंट, प्रतिरोध को क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस बोला जाता है, तो रेसिस्टेंट थर्मोमीटर लिख रहा है। प्लेटिनम के तार का जो वैद्युत प्रतिरोध है, यह ताप के बढ़ने के साथ साथ समान दर से क्या होता है, बढ़ता जाता है, समान दर से, बाकी अलग अलग धातुओं में अलग अलग होता है, क्योंकि अगर यह सही तरीके से आंकड़ा नहीं दिखाएगा तो यह क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो याद रखिए करा इसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, ये -200 से लेकर के 1200 डिग्री सेल्सियस तक के चीजों को जो है इसके तापमान को माप सकता है। अगला है पूर्ण विकिरण उत्तापमापी, सबसे ज्यादा इस्तेमाल इसका किया जाता है अभी, ठीक है, खोज वगैरह के दौरान हम बराबर देखते हैं और परीक्षा में खूब आता है यहां से प्रश्न। लिख रहा है पूर्ण विकिरण उत्तापमापी, टोटल रेडिएशन पायरोमीटर। अब थर्मामीटर की बात खत्म हो गई, अब उत्तापमापी आ गया, अभी तक जो है तापमापी की बात चल रहा था, अब आ गया उत्तापमापी। उत माने बहुत ज्यादा, उत माने बहुत ज्यादा, तो जो बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो जाता है उसके लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। तभी तो यहां थर्मोमीटर को हटा करके पायरोमीटर लगा दिया गया, क्या कर दिया गया, पायरोमीटर कर दिया गया। लिख रहा है यह स्टीफन के नियम पर आधारित है, ठीक है, और लिख रहा है उच्च ताप वाली वस्तुएं जिनसे विकिरण के रूप में ऊर्जा उत्सर्जित होती है और जिनका तापमान प्रायः 800 डिग्री सेल्सियस से शुरू होता है, कितना होता है, कम से कम 800, कई किताबों में 500 दिया, गलत है, 500 डिग्री सेल्सियस का अगर होगा तो याद रखिए वहां पर ये जो विकिरण की बात कर रहा है विकिरण ही नहीं पैदा होगा, क्योंकि विकिरण जो है ये 800 डिग्री सेल्सियस से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो याद रखिए कह रहा है इन वस्तुओं का ताप पूर्ण विकिरण उत्तापमापी से मापा जाता है और वस्तु को बिना स्पर्श किए ही इसके तापमान का ज्ञात हो जाता है। हमें लिख रहा है इससे 800 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक ताप वाली वस्तुओं के ही ताप को मापा जाता है, क्योंकि से कम के ताप की वस्तुओं में उष्मीय विकिरण का उत्सर्जन नहीं होता है। तो इसको याद रखिएगा दोस्तों, आपको पढ़ के काफी अच्छा लग रहा होगा। देखिए मैं बता दे रहा हूं, मैं बार बार आपसे बोल रहा हूं कि अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो याद रखिए सभी विषय को डिटेल से पढ़ाया गया है। आप आइए, देखिए, चीजों को पढ़िए, साथ ही साथ आप हमारे वेबसाइट पे विजिट करिए। वेबसाइट का नाम एक बार आप नोट कर लीजिए, study91, ठीक है, study91.co.in, ठीक है, ये हमारी वेबसाइट है। यहां पर जाएंगे ना तो आपको और बहुत सारी चीजें मिलेंगी, जैसे आप टेस्ट दे सकते हैं, जैसे आप जो है बहुत सारे मॉक टेस्ट आपके लिए रखे हुए हैं, प्रीवियस पेपर हैं, ब्लॉग हैं, करंट अफेयर है, मतलब बहुत कुछ है। आप जाओ पढ़ो, देखो आपको तमाम चीजें वहां पर मिलेंगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रकाशिक उच्च तापमापी। ये प्रकाशिक क्या है दोस्तों, इसको ऑप्टिकल पायरोमीटर बोलते हैं, नया नया अभी बन रहा है, 800 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 2700 डिग्री सेल्सियस, सोच रहे हैं
सोचिए 800 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 2700 डिग्री सेल्सियस तक का ताप का मापन इसके किया जाता है। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा पढ़ के, बहुत सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा। और कल भी आपका संडे है बट कल आपका लेक्चर जाएगा तो इसको आप जरूर देखिएगा और आगे प्लेलिस्ट से अपडेट होते रहिए कि कौन कौन सा विषय आपको पढ़ा दिया गया है, कौन कौन सा विषय आपको पढ़ाया जा रहा है। एनसीईआरटी की एक स्पेशल सीरीज इस समय चल रही है, उसको जरूर से देखिए, आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, चलिए आज की क्लासिंग समाप्त होती, मिलते हैं अगले लेक्चर में। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो को शेयर करना आप नहीं भूलेंगे, मेरे कहने का इंतजार मत किया करिए कि नितिन सर बोलेंगे तो शेयर करेंगे, ऐसा नहीं है, आप खुद से शेयर कर दीजिए, आगे बढ़ा दीजिए, निवेदन है मेरा। ठीक है, आप सभी का धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, हंसते रहें मुस्कुराते रहें।